हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफी सारे डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं कि सॉल्यूशन बनता कैसा है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों, सॉल्यूट है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा बच्चों। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सॉल्यूट जो है वो हमें लेस क्वांटिटी में, जो भी आपका लेस अमाउंट में सब्सटेंस है वही हमारा क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है, जो हमारा मोर क्वांटिटी में है या मोर अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब जैसे एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं, सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, तो जो सॉल्ट है वो लेस क्वांटिटी में लगेगा और जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में है। तो जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ऐसे याद नहीं रह सकता, तो छोटी सी ट्रिक देखो, अगर आप सॉल्यूट को देखते हैं तो इसमें कितने लेटर्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है सॉल्यूट में, और सॉल्वेंट में कितने बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर है इसमें, इसमें 7 लेटर है, इसमें 6 लेटर है। तो जिसमें लेटर मोर है इट मींस उस क्या है, वो लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि वो बड़ा है तो लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए। उसके बाद बच्चों हम सॉल्यूशंस में ट्रू सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, बट हम यहाँ जो स्पेसिफाई स्टडी करने वाले हैं वो है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स, इट मींस सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी ट्रू सॉल्यूशन में, अभी टाइप्स में सॉल्यूशन के अगर हम यहां देखेंगे तो टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस भी होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस है ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, होमो मींस सेम, इट मींस दे आर कंप्लीटली मिक्स, दे मेक अ सेम सॉल्यूशन, इट मींस सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो होमोजीनियस इज अ ट्रू सॉल्यूशन, बट जो हेट्रोजीनियस है, हेट्रो मींस दे आर नॉट कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्च है, स्टार्च को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बच्चों आप ऑब्जर्व करेंगे जो स्टार्च है जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा तो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स, उसके ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, तो क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। और क्या है, ऑयल प्लस वाटर है, जो चीजें आपस में मिक्स नहीं होती हैं वो क्या बनाती है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, यानी दे आर नॉट कंप्लीटली मिक्स। तो बच्चों अब यहाँ छोटी छोटी और छोटी टर्म्स हैं हमारी, हम यहाँ मास परसेंटेज वॉल्यूम, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कितना पार्ट, यानी कितना पार्ट हमारा सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय मास सॉल्यूट, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, बाय मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ सॉल्यूट कैसे, जो भी आप जितना भी मास ले रहे हो सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा परसेंटेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनटू 100 यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। बट बच्चों समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये जो सॉल्यूशन वर्ड है उसको डायरेक्टली वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बट सॉल्यूट जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है बच्चों वो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंबाइंड करके सॉल्यूशन बना है। तो जब आप इसका न्यूमेरिकल करते हैं तो उस केस में मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे आप ग्राम में, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में जो वैल्यूज होती है वो ग्राम्स में ही होती है, जो भी मास वेट है, डिवाइड बाय क्या है आपका, ये मास ऑफ बच्चों सॉल्यूट है प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है, इन दोनों को लिखना है यहां जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों को एडिशन करना है,
और इनटू परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। तो मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया होगा, जो लेस क्वांटिटी में है सॉल्यूट है और जो लार्ज क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट जो हमारा होगा परसेंटेज बाय, अभी मास के प्लेस से बच्चों हम वॉल्यूम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सॉलिड को ही लिक्विड में मिक्स करें, समटाइम लिक्विड मिक्स इन लिक्विड ऑल्सो होता है। आपने सुना होगा मिल्क है, मिल्क में हम वाटर डिजोल्व करते हैं, तो वो भी क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है, बट दे आर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो यहां हम नेक्स्ट करेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां मैं वॉल्यूम लिख रही हूं अभी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे हम, यहां मास के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम लिख देंगे बस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो परसेंटेज के लिए क्या यूज करेंगे, इनटू 100 लगाते हैं बच्चों। तो ये दोनों हमने परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट देखा और परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, मोलैरिटी और क्या है, मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मोलैरिटी है बच्चों, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि उसका सिंबल क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो बच्चों इस चैप्टर में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक डिनोशन देंगे, एक नोटेशन देने वाली हूं मैं है। तो नोटेशन में आप अगर आप सॉल्यूट लिखेंगे, नंबर ऑफ अगर आप सॉल्यूट लिखते हैं तो सॉल्यूट के लिए हम एक टू सिंबल रख लेते हैं, या आप बी भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट अगर एक ही सिंबल हम एंड तक रखेंगे तो आपके किसी भी डेरिवेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि टू मीन्स वॉट, वन मीन्स वॉट। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट है अपना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए जो सिंबल रखेंगे वो वन रखेंगे बच्चों। अभी मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर बच्चों फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूट के लिए मैंने बताया एन टू वर्ड यूज करना है। तो जो एन टू है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट के लिए अभी मैं फॉर्मूला लिख के दिखाती हूं आपको। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो इसको आप गिवन लिख सकते हो, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ, क्या हो जाएगा यहां, सॉल्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे N2 means क्या हो जाएगा बच्चों, W2 upon M2। अब आपको याद रखना है W2 means सॉल्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं जहां भी लिखती हूँ बच्चों लिखो N2, तो N2 means हम क्या कर रहे हैं वहां, नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट जो फाइंड आउट करते हैं वो गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से फाइंड आउट करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम सॉल्वेंट का फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्वेंट के लिए मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के लिए सिंबल वन यूज करेंगे बच्चों। तो एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन अपॉन एम वन। डब्ल्यू वन क्या है, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ ए, ये क्या है सॉल्यूट के प्लेस पे क्या हो गया हमारा, ये सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया वापस, मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। बच्चों अभी यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मैं भी डेरिवेशन करूंगी मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है बच्चों, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी इज ए कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो मोलैरिटी बहुत सिंपल रेशियो, मैं वर्ड्स में बता रही हूं, इट इज अ रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या है आपका, ये मोलैरिटी टोटल वॉल्यूम, यहां हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं ऑफ सॉल्यूशन का लेते हैं। लेकिन आपने बच्चों
ऑब्जर्व किया होगा, मैक्सिमम जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें ml में गिवन होता है हमें, तो वहां में कंफ्यूजन होता है कि उस ml को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसका स्टैंडर्डाइज जो यूनिट है वो इन लीटर में है, या फिर किस में लिखेंगे, डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे, इन लीटर। जैसे ही आप यहां लीटर लिखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा आपका, थाउजेंड आ जाएगा, क्योंकि यहां हमारा लीटर लिखोगे तो थाउजेंड नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया इन ml, क्योंकि ml को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, लीटर में। न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए ध्यान देना है लीटर में है या ml में है, तो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस में ml में ही गिवन होता है वॉल्यूम। अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए सिंबल मैंने क्या बताया बच्चों, N2। वॉल्यूम के लिए सिंबल क्या है, V। और मैंने भी क्या बताया, स्टैंडर्डाइज क्या यूज करना है यहाँ, N2 1000, ताकि हमारा आंसर किस में आ जाए, लीटर में ही आ जाए या डेसीमीटर क्यूब में। अभी मैंने आपको बताया कि N2 क्या है, N2 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, W2 अपॉन M2 इनटू V इनटू क्या लिखेंगे हम यहाँ, 1000। अभी मैंने आपको बताया W2 क्या है, M2 क्या है, V क्या है। W2 क्या है, गिवन वेट और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 2 लिखा है मैंने यहां, तो ये हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। M2 क्या है बच्चों, ये हो गया मोलर मास, किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का मोलर मास है, क्योंकि 2 लिखा है तो ये हमारा सॉल्यूट, और ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया, किसका टोटल वॉल्यूम हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया बच्चों। इसका अगर हम यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं तो आपने देखा होगा नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या है, मोल, तो आपका मोल हो गया, और वॉल्यूम किस में होता है बच्चों, या तो लीटर में, ml में, डेसीमीटर क्यूब में, तो इसका अगर हम यूनिट लिखते हैं मोलारिटी का तो क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया किससे रिलेटेड, मोलैरिटी से रिलेटेड। अभी सेम इसी से रिलेटेड एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, वो है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को बहुत ध्यान से देखना है कि बच्चों एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा है और गिवन क्या है। तो अभी हम करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो सेम इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है ये मोलैलिटी, नंबर ऑफ, सेम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट डिवाइड हमने मोलैरिटी में वॉल्यूम से डिवाइड किया था बच्चों, बट हम जो यहां डिवाइड करने वाले हैं वो क्या है, वेट ऑफ द और मास ऑफ द सॉल्वेंट, बट किसमें, इन ग्राम में। अगर आप इसको ग्राम में करते हैं तो स्टैंडर्डाइज हमें वापस किससे मल्टीप्लाई करना है यहां, 1000 से, ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, अपना केजी में कन्वर्ट हो जाए। सेम मैंने अभी आपको बताया कि सिंबल क्या यूज करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए, N2 यूज करना है, और मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट है उसके लिए क्या सिंबल यूज करना है, W1, क्योंकि मैंने बताया सॉल्वेंट है तो 1 यूज करना है, और ये केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। N2 का वैल्यू बच्चों अभी बताया मैंने, W2 अपॉन M2 इनटू W1 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हमारा हो जाता है मोलैलिटी से रिलेटेड छोटा सा डेरिवेशन, जिसको आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज में डाल के यूज करते हैं जब आप न्यूमेरिकल करते हैं। सेम इसको भी अगर हम यूनिट निकालेंगे, इसका क्या यूनिट है, तो इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोल पर, बट अभी यहां किस में कन्वर्ट हो गया, ये केजी में, तो इसका यूनिट क्या क्या हो गया बच्चों, मोल पर केजी हो गया, समझ में आया, ये हमारा हो गया मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। उसके बाद हम करते हैं छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम देखेंगे, मोल फ्रैक्शन लिखते हुए मैंने, मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन बच्चों दोनों का फाइंड कर सकते हैं आप, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस क्या, कि जितना पार्ट हमारा सॉल्यूट का किसमें डिसॉल्व हुआ है, सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट ने कितना पार्ट अपना पार्टिसिपेट किया है व्हाइल डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन बच्चों दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो फिर वह ध्यान से देखना है कि हमें जो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो हम टू सिंबल मैंने जो बताया था आपको सॉल्यूट के लिए ही यूज करना है, मोल फ्रैक्शन के लिए बच्चों एक्स सिंबल हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके बुक। अभी हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स टू हो गया बच्चों। टू मीन्स अभी मैंने बताया था क्या, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो। तो मोल फ्रैक्शन मींस अभी आपका यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल, टोटल क्या है आपके एन वन और एन टू, दोनों का जैसे आप ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया बच्चों। ये याद रखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो उसके लिए हम x1 लिखेंगे, क्योंकि 1 किसके लिए सिंबल मैंने बताया था आपको, सॉल्वेंट के लिए यूज किया था। तो जो x1 है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। n1 और n2 के लिए मैंने फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, n2 इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट एंड मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और जो n1 है आपका वो क्या है, गिवन वेट एंड मोलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है। बच्चों हमारे जो पोर्शन में है 12th स्टैंडर्ड तक बाइनरी सॉल्यूशन ही हम स्टडी करते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम कितने ही सॉल्यूट डालेंगे वो सॉल्वेंट में मिक्स होके क्या बनाएंगे, टू बाइनरी ही सॉल्यूशन हमारे फॉर्मेशन में आएगा। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आता है बच्चों चेक करने के लिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन होता है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी में भी होता है ना कि प्रोबेबिलिटी बाय इवेंट और प्रोबेबिलिटी इज नॉट बाय द इवेंट, उन दोनों का सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा वन आना चाहिए। तो सेम ऐसे ही यहाँ बाइनरी सोल्यूशन में भी एक्स वन और एक्स टू अगर हम मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, वन, नॉट एग्जैक्ट वन, अगर आपका 0.9 0.89 आता है तब भी आपका आंसर क्या है, राइट ही है, क्योंकि वो हम जब अप्रोक्स लेते हैं तो वन मोल के इक्वल हो जाता है। और अगर बच्चों हमने x2 फाइंड आउट कर लिया है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है। आपने देखा ना, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को गैसेस में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन आपने देखा होगा कि एवरीवेयर इज अ सॉल्यूशन, हमारी पूरी बॉडी में भी क्या है बच्चों, सॉल्यूशन ही है, क्योंकि क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। और हमारी बॉडी में जो वाटर है, वाटर क्या हो गया वो, क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट हो गया, और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। सेम ऐसी जैसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या कुछ भी आपके प्रोसेसेस होते हैं वो सारे टोटली किस पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशंस पर ही बनते हैं। अगर सॉल्यूशन ही फॉर्म नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट्स में फॉर्मेशंस में क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों। तो अभी हम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन मैंने बच्चों बताया आपको, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बताए। तो बच्चों अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैंने आपको बताया 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसको कैसे रीड करते हैं कि सॉल्यूट को कैसे और सॉल्वेंट, सॉलिड इन सॉलिड, अगर आप सॉलिड इन सॉलिड बोलते हैं तो सॉलिड क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और उस सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स कर रहे हो तो दूसरा भी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉलिड इन सॉलिड में बच्चों आपने सुना होगा अलॉयज जो बनते हैं, अलॉयज अ बेस्ट एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि अलॉयज में आपने सुना होगा ब्रास है, हमारा ब्रॉन्ज है, तो जो भी हमारे अलॉयज बनते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है अपना, उसको क्या करेंगे हम, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड यानी कि सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में है
और लिक्विड क्या है वो लेस क्वांटिटी में है। तो लिक्विड इन सॉलिड्स में आपने बहुत सारे रिडक्शन के रिएक्शंस किए होंगे, उन रिएक्शंस में हम अमलगम यूज करते हैं बच्चों। तो अमलगम में, अमलगम का मतलब होता है मर्क्यूरी में आप एक मेटल मिक्स कर रहे हो, मेटल में कौन सा है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, अगर आप मर्क्यूरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, बट लिक्विड किसमें है, सॉलिड्स में, क्योंकि आपने देखा मर्क्यूरी सॉलिड होते हुए भी किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। वो एक्सेप्शन केस है कि सॉलिड होकर भी वो लिक्विड में है। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी किसके साथ, विद मेटल, और मेटल क्या बताया मैंने, सोडियम है, मैग्नीशियम और जिंक। थर्ड जो अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों वो है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड्स में भी ये रिडक्शन में हमने यूज किया, गैसेस फॉर्म में हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं H2, बट जब आप रिडक्शन रिएक्शन में H2 गैस यूज करते हैं तो ऊपर हम एक क्या लिखते हैं, मेटल लिखते हैं एज ए कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट क्या होता है, या तो प्लेटिनम होता है, या पैलेडियम होता है, या फिर निकल यूज करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया गैस इन सॉलिड्स। अच्छा, जो फोर्थ सोल्यूशन है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है। तो सॉलिड है और लिक्विड में, वो आपने घर में ही देखा होगा, सॉल्ट को अगर आप वाटर में डाल रहे हैं तो सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो आप उसको लिख सकते हैं सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, क्लोरोफॉर्म, आयोडीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी एक एग्जांपल है। उसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों वो है लिक्विड इन लिक्विड। तो घर में देखा होगा आपने मिल्क प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल में स्पेशली जो अल्कोहल यूज होता है कौन सा है, इथेनॉल है, इथेनॉल इन वाटर। तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो वो हो गया हमारा लिक्विड इन लिक्विड। अभी नेक्स्ट अपना क्या है, गैस इन लिक्विड। अभी गैस इन लिक्विड भी आपने देखा होगा जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, जो भी पानी में रहते हैं, उन सबको क्या है, सर्वाइव करने के लिए हमारी तरह क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो भी क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वाटर में। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल है इन कंपेरिजन टू अस, उनको कम ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, लेस अमाउंट में वाटर में डिजोल्व होती है। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गई बच्चों, गैस हो गई, और वो गैस किस में डिजोल्व हो रही है, लिक्विड में डिजोल्व हो रही है। तो वो हमारा एग्जांपल क्या हो गया, गैस इन लिक्विड हो गया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि सॉफ्ट ड्रिंक में भी हम क्या करते हैं, गैसेस को प्रेशराइज करते हैं, यानी प्रेशर कॉम्प्रेस्ड करके उसको किसमें मिक्स करने की कोशिश करते हैं बच्चों, लिक्विड में, ताकि उसका टेस्ट हो जाए। और जब तक CO2 का टेस्ट है उसके अंदर, तभी उस कोल्ड ड्रिंक का भी टेस्ट आपको फील होता है, अदरवाइज वो कोल्ड ड्रिंक भी जस्ट इज अ टेस्टलेस हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, वो है सॉलिड इन गैस। तो आपने सुना होगा कुछ सब्सटेंस सब्लिमेट होते हैं, सब्लिमेट मतलब जैसे आप उसको गर्म करते हो वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सारे क्या है, हमारे आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल है, ऑल दे आर सॉलिड इन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। तो सॉलिड क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो बर्न होने के बाद क्या होगा, बहुत सारा गैस फॉर्म होता है, तो गैस का जो क्वांटिटी है वो मोर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट। तो हमारा क्या हो गया, सॉलिड इन गैस हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में आप देखेंगे कि लिक्विड क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को हम किस में मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन में। तो क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और नाइट्रोजन क्या है, हमारा गैसियस फॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म को जब हम नाइट्रोजन में मिक्स करेंगे, ताकि वो हमारा क्या ना हो, ऑक्सीडाइज नहीं हो क्लोरोफॉर्म, अदरवाइज क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है व्हेन इट्स कमिंग कॉन्टेक्ट विद एयर और मिक्सचर ऑफ ए गैसेस। तो ये क्या हो गया हमारा, लिक्विड इन गैस हो गया। और जो थर्ड है बच्चों बहुत ही जनरल है, गैस इन गैस। गैस इन गैस में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, सभी गैसेस का मिक्सचर है, उसमें आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो हमारा एग्जांपल हो जाता है गैस इन गैस का, मिक्सचर ऑफ ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मिक्सचर ऑफ ए गैसेस, आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
उसके बाद बच्चों जैसे आज हमने डिस्कस किया, छोटे छोटे बेसिक चीजें ली, वैसे वो आप पहले प्रीवियसली क्लासेस में आई थिंक पढ़ चुके होंगे, मोलैरिटी के बारे में, मोनैरिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम जो छोटे छोटे और टॉपिक्स लेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी क्या है और सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर, विच फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। आप हर एक चीज को किसी के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते हो, आपको मिक्स करने से पहले क्या देखना है, फैक्टर्स, कि हमारे पास जो सॉल्यूट है, हमारे पास जो सॉल्वेंट है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, बाकी सब चीजें भी हम दोनों चीजों को मिक्स करने से पहले, यानी दोनों चीजें कौन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करने से पहले ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों कि क्या हमारा टॉपिक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मंजू मैम क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट अस।